वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार फिर से शुरू करते हैं। तो आज आई हूं मम्मा वॉकिंग पे। नहीं करेंगे कुछ, नहीं बोलो, नहीं बस। अरे रे रे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुना सा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं वॉक करने। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक से, जो कि नॉर्मली नहीं होती है। जब जिग्गी आती है मैं तब करती हूँ। और ये देखिए जिग्गी यहाँ पे है। एज़ यूजुअल जब जिग्गी आती है तो मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर वो बिजी रखती है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ झूला झूलो, तो ये सब में मैं बिजी हूँ। और बाकी लोग वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगरूद की मम्मा भी है और बुआ भी हैं, मैं भी हूँ, जिग्गी भी है, तो हम लोग मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। आज है 17th of April और है रामनवमी का शुभ दिन। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश कि आप सभी के लिए ये नवरात्रि अच्छी रही होगी, इसके साथ ही पूरा साल भी अच्छा रहेगा। और हाँ, कल अष्टमी भी अच्छी गई होगी। तो आज जिगी के लिए बहुत सारे इनविटेशन हैं। देखिए यहाँ चढ़ के बैठी है, तो इसको जगाने के पीछे ये भी रीज़न है कि आज बहुत सारे जगह इसको कन्या पूजन में जाना है और जल्दी उठाना ही था। यहाँ से वॉक करके जाते फिर उठाते, तो बहुत दिन से जिगी कह रही थी मुझे भी आना है मॉर्निंग वॉक पे, तो हमने कहा चलो आज सुबह से उठा देते हैं, एक्टिव भी हो जाएगी। तो बस उठा दिया है, घर जाके फिर नहा वहा के तैयार करवा देंगे उसको, नहला वहला के। ठीक है, चलिए फिर आप लोग व्लॉग में बने रहिए, देखिए कहाँ कहाँ जाती है जिग्गी और क्या क्या होता है आज पूरे। हवा बहुत सुंदर चल रही, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। इन लोगों ने जेब में आम भर लिए हैं गाइस। बताशे कौन नहीं खा रहा था, सभी खा रहे थे। चार बताशे की लॉटरी। तो रुकना पड़ता है सब बच्चों के साथ ना। और गाइस यहाँ पे मैं जिगी को कन्विंस कर रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए सबके यहाँ, क्योंकि वो कहीं भी जाने को रेडी नहीं थी। फिर जैसे तैसे वो चली गई, जहाँ पे थोड़ा बहुत जानती थी लोगों को वहाँ तो वो चली गई कैसे भी, बट जहाँ बिल्कुल नहीं जानती थी वहाँ पे किसी ना किसी को साथ में जाना पड़ रहा था। तो दो तीन जगह पे महिमा के साथ गई वो, फिर लास्ट में एक जगह मुझे भी जाना पड़ा। और इस तरीके से कुछ रामनवमी या महानवमी आप कह लीजिए सेलिब्रेट हुई हमारी। और हमारे घर में तो कुछ इस बार खास होना नहीं था, तो काम भी लगा हुआ, तो बस जैसे तैसे ऐसे ही नॉर्मल पूजा पाठ ही रहा। और थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि घर के काम के साथ ही मतलब सब कुछ करना था सुबह से जो आती जा रही है। हाँ नहीं तो सही कहा आपने, नहीं तो फिर ऐसे इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। हमारे
तुम्हारा डांस क्यों कर रहे थे रोड में? जिकी दिखाओ पन्नी टांग के ला रही है, देखो कितना सामान भर भर के ला रही है। पन्नी दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो पन्नी, और ये देखो बहुत सारी खाली रखती है घर में गाइस। ए छोड़ो फेंको, कुछ भी रोड से उठाते हैं यार बच्चे। कितनी थालियाँ रखी हैं, चलो मैं दिखाती हूँ कितनी थालियाँ रखी हैं। अभी भी एक जगह जाना बाकी है। सारी जिगीशा की थाली है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह वो जा चुकी है ये सारी चीजों के साथ है। ये सारे गिफ्ट्स, एक टिफिन, एक लंच बॉक्स, पिंक बॉटल, ब्लू बॉटल, बॉटल पिंक टिफिन, एक ब्लू बॉटल, खाने पीने का सामान, और ये लक्षणा हैंकी और बिस्किट। और अभी एक जगह बाकी है जाना, तो ये सारा आप लोग देख सकते हैं। हाँ जो खाना पीना खा पी सकते। ये थाली भी गिफ्ट में मिली है इनको, ये सारा। सो गाइज़, हमारे घर की छोटी माता रानी ने पूरे मोहल्ले में आई थिंक हर घर में वो गई होगी, और उसके बाद लास्ट में वो गई सौम्या के यहाँ, वहाँ से भी वो कुछ गिफ्ट वगैरह लाई है। ये बर्तनों का सेट और अपना पेंसिल पाउच हैंकी वगैरह वो सब लेके आई है। तो जिगी की महानवमी और हम सब की महानवमी तो बहुत ख़ास रही, और आज का दिन जितना बेटियों के लिए ख़ास होता है ना, जैसे हम कन्याएँ ढूँढते हैं, आई थिंक सभी को उतनी ही इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कन्या की। और हर दिन कन्याओं के लिए खास होना चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद होता है। जिस घर में छोटी छोटी मतलब कन्याएं होती हैं ना, जिस घर में बेटी होती है, वो समझ लीजिए वहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद ऑलरेडी है। तो ऐसी उम्मीद है कि सभी इस बात को समझेंगे, और आई विश कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।